तो बच्चों ये है हमारा आज का एग्जाम और इसको देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बताएंगे एमसीक्यू के क्या आंसर थे, आपने क्या टिक किया था इसमें, आप कमेंट करके बताना कि भी आपका सही था या नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पे सीजीएसटी से रिलेटेड, तो इसमें आंसर है हमारा सी, आप बताना कि भी आपने क्या टिक किया इसमें। और क्वेश्चन पेपर लिटरली टफ था बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे रिव्यूज दे रहे थे कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ है, तो टफ रहा थोड़ा सा पेपर, आप कह सकते हो कि भाई मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते और बिल्कुल टफ भी नहीं बोल सकते। तो इसमें देखेंगे सेकंड वाले का क्या आंसर है। अब इसका जो डिटेल सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे, अभी हम इसके डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। तो इसमें देखो सेकंड वाले का क्या आंसर है हमारा, सेकंड वाले का 31 आंसर आया है, थर्ड वाले का क्या आंसर है, और आप बताना कि अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना कि भाई अगर हमने कोई भी, आपको लग रहा है कि भाई हम कोई गलत क्वेश्चन बता रहे हैं, गलत मार्क किया है, तो आप उस पर बताना कमेंट। इसमें हमें अब देखना होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बी के बी के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मतलब क्या कह रहे हो कि डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं इसमें, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है हमारे, उसने लैंग्वेज में बच्चों को फंसाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ वाले का क्या आंसर, देखो थर्ड वाले का हमारा बी आंसर है और फोर्थ वाले का क्या आंसर होगा, फोर्थ वाले का आंसर होगा हमारा इसमें आ रहा है आंसर 8, फिफ्थ वाले में आंसर आ रहा है हमारा कितना, फिफ्थ वाले में 64 और 2 माइनस किया था हमने तो ये आ गया 62। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे कि ये आंसर्स क्यों हैं। फिर कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, ए कोलिनियर वाला हमने आपको बताया था जब हम रिवीजन कराए थे कि भी कोलिनियर से रिलेटेड आता है, तो जो दोनों के हम क्या कर लेते हैं, या तो आप ए बी और बी सी के स्लोप को इक्वल रखो, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है डी, फोर्थ वाले का आ रहा है डी। सेवन्थ वाले में देखो फोर्थ है सिक्स का डी आ रहा है, सेवन्थ में क्या है हमारा, सेवन्थ में आ रहा है एक्स की वैल्यू आ रही है 3 और वाई की वैल्यू आ रही है हमारी 150, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और वाई की वैल्यू आ रही है 150, इसमें भी डी आ रहा है हमारा सेवन्थ में। और एट्थ में क्या आंसर है, देखो एट्थ में तो आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो भाई इसमें लॉजिक है कि फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म में है 1/a, फिर हमारा +1 हो रहा है +2, तो इसके सेवन्थ टर्म में क्या होगा +6 ऐड हो रहा होगा, तो डायरेक्ट आप इसमें 6 कर सकते हो, मतलब ए कर सकते हो, इसका आंसर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा एट्थ में। अब देखेंगे इसमें नाइन्थ वाले में क्या आंसर है इसका, तो सिंपल इसमें सम इन्वेस्ट बताना था कि भी कितना सम इन्वेस्ट किया, तो सम इन्वेस्ट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इसने बोल रखा है 15 शेयर्स हैं और वो 70 क्या है नॉमिनल वैल्यू 75 और उसका 20% डिस्काउंट कम कर दो इसमें, तो इसमें 20% माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 900। तो आप इसमें सोल्व करके देखना कि भी आपका क्या आया था या फिर आपने क्या मार्क किया है, तो इसमें आ रहा है नाइन्थ वाले का क्या होगा डी आंसर होगा। तो अगर कोई भी अगर इसमें मिस्टेक होती तो आप कमेंट करके बताना, उसको भी हम देखेंगे, वैसे हमने इसको चेक कर लिया है ये इसके आंसर्स होंगे। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, सरकम सेंटर क्या होता है कि जो ट्राइंगल में क्या करे उसके बाहर सर्कल बनाए, तो ये क्या होगा इसके सरकम सेंटर से इसके वर्टिसेस का क्या होता है डिस्टेंस इक्वल होता है, तो भी इसमें क्या होगा एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, सरकम सेंटर क्या होता है वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अब देखो इसमें नाइन्थ वाले में एट्थ वाले का तो आंसर भी है एट, ये है टेंथ, अब ये है हमारा इलेवेंथ। ठीक है, तो इलेवंथ वाले में देखते हैं क्या है इसका आंसर, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, लेकिन सेकंड वाला इनकरेक्ट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इसलिए इसमें ओनली फर्स्ट ही वैलिड है। और ट्वेल्थ वाले में देखो कि इन द गिवन डायग्राम पी एस एन पी टी, पी एस एन पी टी क्या है हमारे टेंजेंट्स है और एस क्यू पैरेलल है, ये हमारी लाइन पैरेलल, तो सिंपल देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होती है, दोनों टेंजेंट होते हैं एक्सटेंड पॉइंट से, तो अगर ये 80 है तो ये दोनों 50-50 होंगे और अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इसमें आंसर होगा इसका डी, ट्वेल्थ का डी। 13 वाले में कि एक डाइस को अगर थ्रो करें और इवन नंबर की वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी नहीं क्योंकि इवन नंबर क्या है 2, 3, 4 और 6 होते हैं, तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, लेकिन इसमें गलत बताया, असर्शन रॉन्ग है और रीजन क्या है इसमें करेक्ट है क्योंकि इसमें सैम्पल स्पेस फॉर इवन नंबर के लिए क्या होगा हमारा 2, 4, 6 होगा, इवन नंबर हमारे 2, 4, 6 ही है, करेक्ट है इसमें रीजन करेक्ट है। अब देखो इसमें 14 वाले को क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था कि भाई ये हमारे पास पेपर है, इसको फोल्ड करेंगे एक बार इस टाइप से और एक बार इस टाइप से, तो इन दोनों के सी एस ए तो वो सेम ही रहेगा ना जो हमारा सिंपल ये पेपर है, तो इसका 1:1 ही आता, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, इसको अच्छे से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। और 15 में कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू, अगर ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, आपको बताना कि भी इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है, तो देखो एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है तो यहाँ पर ए एंगल पी के इक्वल भी होगा, बी एंगल यहाँ पर क्यू के इक्वल होगा एंड ये सी एंगल आर के इक्वल होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये कह रहा है कि एंगल बीएसी क्यूपी,
आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रहा है कि ये जो ट्रायंगल होगा ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल होगा हमारा ए बी डी, ये जो ए बी डी होगा ये किसके सिमिलर हो जाएगा हमारा, पी क्यू एस के सिमिलर हो जाएगा बी, इसमें आंसर करेक्ट है हमारा। तो ये इसके 15 एमसीक्यूज हो गए। अब इसमें जो डिटेल लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमारे वो भी आपको बताए जाएंगे, तो आप उसका वेट करें और फिर हम देखते हैं कि उसमें उनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो आप इनको चेक करके बताएं कि भी आपका आपने क्या टिक किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।